हमारे आयोजन के जो अध्यक्ष हैं उनको सुनेंगे हम, जो आयोजन के अध्यक्ष हैं जी, कृष्ण वीर सिंह सिरोही जी, पूर्व विधायक, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश गो सेना आयोग, अध्यक्ष राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज गाजियाबाद, उपाध्यक्ष वरदान सेवा संस्थान राजनगर गाजियाबाद, 80,000 से ऊपर निशुल्क ऑपरेशन जो है वो करवा चुके हैं, संरक्षक हैं श्री गणपति गंगा गौशाला ब्रजघाट, और ऐसे बहुआयामी शख्सियत का हमारे साथ होना जो लगातार तीनों दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, ये आशीर्वाद बेशकीमती है, आदरणीय। हम चाहेंगे कि आप अपना उद्बोधन दें। इतना समाज और कमाल की बात यह है कि ये उत्थान समिति के संरक्षक भी हैं, तो संरक्षक का जो दायित्व होता है ना आशीर्वाद देने का, मार्गदर्शन करने का, वो सारा काम इन्होंने बखूबी निभाया है कि आपके सर पे छाया बन के चलेगी धूप में, वक्त रुखसत घर से अपनों की दुआ ले जाओ। तो ये हमारे अपने हैं, इन्हें मैं आमंत्रण देती हूँ कि भाषण के साथ ही इसका टीम जो है वॉलंटियर पल्ले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ जी, और बस हम सिरोही सर को सुनेंगे, लेकिन एक जो टीम है हमारी उससे आग्रह है ESDA की जो टीम है वो भोजन वितरित कर दें सभी को, सब यहाँ बैठे हैं तो यहीं पर ही सभी को जो है भोजन वितरित कर दें, वो टीम से आग्रह है। और अब हम सुनते हैं बड़े मनोयोग से सिरोही सर को, आइए सर। सबसे पहले तो मैं सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि अध्यक्ष को कोई सुनने वाला होता नहीं है, जब समापन में अतिथि लोग चले जाते हैं तो अध्यक्ष केवल माइक और अध्यक्ष रह जाता है, बाकी भागते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग बैठे हुए हैं बड़ी शांति से। आज के हिंडन मंथन और हिंडन समारोह के आयोजक और इसमें जो मूल रूप से व्यवहारिक रूप से इसका जो आयोजन में सहयोग दिया, ऐसे आदरणीय जितेंद्र नागर जी, हमारे इस उत्थान समिति के हृदय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, हमारे आज के अनेक वक्ता, विद्वान, वैज्ञानिक, समाज सेवी आदरणीय श्री वीपी यादव जी, श्री राकेश अग्रवाल जी, हमारे बड़े इस पर्यावरण में बड़ा सहयोगी और व्यावहारिक रूप से काम करने वाले संजय कश्यप जी, हमारे उद्यान विभाग के GDA के उद्यान अधिकारी आदरणीय के चौधरी जी, सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे थे और चर्चा तीन दिन से चल रही थी, ये विषय बहुत आवश्यक और बहुत नीरस समाज समझता है। इसीलिए जब तक हमारे यादव जी ने कहा और हमारे सिराजुद्दीन जी ने कहा था कि जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, समाज समस्याओं को बनाना बंद कर दे तो समस्याओं का हल भी स्वतः हो जाएगा। और पर्यावरण, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कहीं थोड़ा सा किसी को बुखार हो गया उसे हम एलोपैथिक लेने के सलाह भी देते हैं और डॉक्टर के पास जाते भी हैं, लेकिन जितना एलोपैथिक ठीक करती है उतना वो शरीर को खराब भी करती है। अगर हम उसे व्यवहारिक रूप से हम आयुर्वेदिक दवा से अगर उसे ठीक करें तो वो जड़ से बीमारी भी खत्म हो जाएगी और शारीरिक दूर से स्वास्थ्य खराब भी नहीं होगा। आज हमारा बहुत चर्चा अनेक विद्वानों ने रखा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरों पे ना कर थोपें। हम सबसे पहले हमने देखा है कि शहर में जब पानी आता है सरकारी टोटी में चलती रहती हैं,
घरों में आवाज आता रहता है कि जब से पानी आया जब से आखिर तक टोटी बंद नहीं होती। पानी की महत्ता जानते हैं हम, ये भी जानते हैं कि पानी कितना आवश्यक है, लेकिन जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि जब बैठे बैठे आवाज भी देना पड़ता है कि भाई पानी कहीं इस्तेमाल हो रहा है या टोटी के पानी की आवाज ही आ रही है, तो उसे महसूस होता है महिलाओं को खास तौर से कि साहब मेरे यहाँ हस्तक्षेप बाहर बैठे हुए ड्राइंग रूम में बैठे हुए भी लोग करते हैं, लेकिन मैं बड़ा बेशरम सा आदमी हूँ क्यों, मैं बड़े सामाजिक क्षेत्र का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है, इसलिए मैं कहने में संकोच नहीं करता, गाली दो चार मिल जरूर जाती होंगी। इसलिए आज जो इस पर्यावरण के काम में जल का कैसे बचाव हो, वृक्ष कैसे बचें, इसमें सब काम करने वाले सामाजिक तौर पर जितने भी काम करने वाले हैं, समाज उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखता। अगर समाज सुधार करना है तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा और इन समाज सेवकों के सहयोग करना पड़ेगा। पहले हम छोटे से गांव में देखते थे कि जिसके घर में घेर हो या घर हो, उसके बाहर जिसकी जो नाली आती थी, एक दो दिन में चार दिन में आदमी स्वयं खड़े होकर सफाई करता था। आज वर्तमान परिस्थिति में आ गई है कि किसी से कहो कि भाई तेरे घर की जरा नाली खराब है, बोले ये ग्राम पंचायत वाले नहीं कर रहे, अर्थात सब काम सरकार के ऊपर छोड़ना शुरू कर दिया है। जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे, जब तक सरकार भी करने वाली नहीं है। मैं आज इस मंच से एक सहयोग करना चाहता हूँ कि मैंने नगर आयुक्त जी से भी मैंने सुझाव रखा था कि आप थोड़ा सहयोग देंगे, जो बने बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और जिनमें वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, आप मुझे सुझाव देंगे और मैं आपके साथ चल कर उन इंस्टीट्यूटों में या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जिनमें वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, मैं बनाने की मदद करूंगा और उसमें आपकी आपका सहयोग चाहूंगा। इसमें समाज थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करे, हम चार आदमी अगर जाके कहेंगे तो कोई शहर में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो मने करेगा, लेकिन हम तो जब देखते हैं कि जीडीए का ही हार्वेस्टिंग, जीडीए ऑफिस का भी बराबर का एक दिन में झांक रहा था, वो ही बंद पड़ा था। मैं इतना बेशरम था कि बीसी साहब के अंदर गया कि क्या काम किस काम आए, मैं कह जी आपका वाटर हार्वेस्टिंग देख कर आया हूँ, जरा उसे देख के आप देख लो कि उसका क्या स्थिति है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसमें बहुत दिन बाद उसमें कोई कार्रवाई मैंने होते देखी थी। इसलिए समाज में ये ऐसा काम है कि आदमी घर से बाहर चलेगा बाहर, अब जैसे अभी कईयों ने बताया कि कार में हमें दिल्ली जाना है, एक शादी में जाना, तीन परिवार बराबर बराबर जाएंगे, किसी में दो आदमी जाएंगे, किसी में तीन जाएंगे। भाई हम आपस में पहले जब सब जाते थे कि कोई कहीं किसी दूर शहर में जाना होता था, दिल्ली मेरठ, तो पहले सोचते थे कि दोनों तीनों तीन चार आदमी ऐसे इकट्ठे हो जाएं कि गाड़ी खाली ना जाए, और जा भी रहे हो तो पड़ोसी से पूछ लेते कि भाई तेरा मेरठ तो कोई काम नहीं है, तू भी चल। ऐसी व्यवहारिक इस आर्थिक जगत की दौड़ में उस पैसे के कमाने में भी लगती है और उसका उसके द्वारा जो दुरुपयोगता होती है उस धन की, वो समाज की पर्यावरण में एक सबसे बड़ी अड़चन है कि उसी वजह से आज हम सब परेशान हैं। वृक्ष लगाना डीएफओ साहब ने कहा था, उनकी मैं तारीफ इसलिए करता हूँ उनके पीछे कि इनके आने के बाद में गतिविधियाँ बढ़ी हैं। मैं शहर में देखता रहता हूँ किसी पेड़ की समस्या हो, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता था कि इस महानगर में जितने पेड़ पिछले 20 साल में लगे हों कितने बाकी हैं, एक तो उसकी ज़रूर गणना कर लें। लगते बहुत हैं, सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। हम कहते हैं हम 10 पेड़ ना लगाएं, एक लगाएं, लेकिन उसे सुरक्षित रखने का भी प्रयत्न करें। सुरक्षित नहीं रखेंगे आधे पेड़ तो बाढ़ के साथ चले जाते हैं। लगाओ वहाँ जहाँ आप जीवित रख सको, खर्चा वहाँ करो जहाँ जीवित रख सको। इसीलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए बड़े आराम से अध्यक्ष को आपने सुना, मैं पुनः सत्येंद्र जी का, जितेंद्र जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे
नाकारा आदमी को भी यहाँ बुलाया और मुझे बैठाने का मौका दिया, उनका मैं बहुत हृदय से उनका आभारी हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो ऐसे मुझे याद करेंगे तो मैं समाज सेवा के लिए आपके साथ हाथ कदम से कदम बिठा के आपके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ये वाकई अध्यक्षीय उद्बोधन जो है